अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हमारे अजीज़िया से लेकर मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, मीना, जमरात और वापस अजीज़िया तक के सफ़र के लम्हों को क़ैद किया है। हमें बताया गया था कि 7 ज़िलहिज्जा मगरिब के बाद से हमें मीना ले जाया जाएगा। पहली बस ईशा से पहले आ गई थी और दूसरी बस ईशा के थोड़ी ही देर बाद आई। सब हुज्जाज तैयार होकर बिल्डिंग की लॉबी में और प्रेयर एरिया में इंतज़ार करते हुए बैठे थे। जैसे जैसे बस ट्रिप ख़त्म करके आ रही थी, वैसे हुज्जाज बस बोर्ड करके मीना के लिए रवाना हो रहे थे। हमने तीसरी बस ली और यह तकरीबन रात के 11:30 के करीब बिल्डिंग से निकली और इसको मीना पहुंचते पहुंचते रात के 1 बज गए। वहां पे पहुंचे तो हमारा खैमा ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन खैमा मिल गया। जो हमारी बिल्डिंग के लिए मकतब वालों ने खैमा असाइन किया था वो फुल हो चुका था, इसलिए हमने बगल वाले खैमे में जहाँ 2 बेड खाली थे उधर ही अपना ख़याम करने की जगह बना ली। एक मकतब के कैंप के अंदर तकरीबन 5,000 हाजी रहते हैं और जितने हाजी होते हैं उतने ही बेड होते हैं। एक खेमे के अंदर तकरीबन 25 से 30 बेड होते हैं। जगह की बड़ी तंगी होती है, लेकिन एक रात यहाँ पे गुजारने के बाद दिल और दिमाग धीरे से इस नए माहौल को कबूल कर लेता है। मीना में औरतों और मर्दों के खेमे अलग होते हैं। यहाँ पे टॉयलेट्स के लिए भी काफ़ी लाइन लग जाती है। अगर कोई 5 मिनट से ज़्यादा वक्त लेता है तो लोग दरवाज़े पे खटखटाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये भी एक दिन के बाद दिल और दिमाग इसको भी कबूल लेता है। लोगों के सब्र की एक बहुत बड़ी आजमाइश है। मीना को 8 ज़िलहिज्जा के फजर के बाद जाना होता है, लेकिन लोगों की कसीर तदाद जिन्हें मीना ले जाया जाता है उसको सही तरीके से हैंडल करने के लिए 7 ज़िलहिज्जा की रात से ही हुज्जाज को मीना लेकर जाना शुरू कर दिया जाता है। मकतब वालों की तरफ से 3 टाइम का खाना, पानी, जूस, चाय और फ्रूट्स का इंतज़ाम हुज्जाज के लिए किया जाता है। यहाँ के खेमों में एयर कंडीशनर नहीं होता बल्कि एयर कूलर होता है, जो गर्मी को दूर करने में बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत से मकतब जो प्राइवेट या VIP पैकेज ऑफर करते हैं उनके खेमों में AC होता है। 8 ज़िलहिज्जा की शाम को हमें बताया गया कि रात में हमें अरफात ले जाया जाएगा, क्योंकि हमारा मकतब मेट्रो के करीब था। हमारे सारे मकतब वालों को मेट्रो के पास अपनी अपनी बिल्डिंग्स में ही दी गई थी, हमें बस की फैसिलिटी नहीं थी। रात के तकरीबन 12 बजे हमें मेट्रो स्टेशन की तरफ ले जाया गया। मेट्रो स्टेशन हमारे खेमे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ तक चल के जाना होता है। हम सब मकतब वाले एक लड़के को जो आगे बोर्ड लेके चलता है उसको फॉलो करते हुए मेट्रो स्टेशन पहुँच गए। वहाँ से मेट्रो बोर्ड की, फिर हम मेट्रो से 15 मिनट के अंदर अरफात 2 स्टेशन पहुँच गए और वहाँ से भी मकतब वाले लड़के को फॉलो करते हुए वहाँ पे हमारा अरफात के कैंप पहुँच गए। वहाँ से हमारा अरफात का कैंप मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। मीना से निकलने से लेकर अरफात के कैंप पहुँचते हुए तकरीबन 2 घंटे लग गए। कैंप में बड़े टेम्पररी बिल्डिंग टाइप शेड बने हुए थे, उनमें AC था। यहाँ पे एक ही शेड में एक तरफ औरतें और दूसरी तरफ मर्द क़याम करते हैं। यहाँ पे टॉयलेट्स की फैसिलिटी भी अच्छी थी और ओवरक्राउडिंग भी नहीं था। हमने फजर का 2 घंटे इंतज़ार किया और फजर पढ़ के सो गए, काफ़ी अच्छी नींद आई। मकतब वाले यहाँ पर भी खाना पकाकर हुज्जाज को पहुँचाते हैं। फिर असर तक हमने सारा दिन ज़िक्रोस्कार किया, असर के बाद से दुआ में लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अरफात का दिन बहुत ही आसानी से गुजर गया और मगरिब का वक्त जैसे ही शुरू हुआ मकतब वाले हमें वापस मेट्रो स्टेशन की तरफ ले जाने लगे। 2 घंटे के अंदर हम मुज़दलिफ़ा पहुंच गए। मेट्रो का सफ़र तो सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन लोगों की कसीर तदाद की वजह से लोगों को ब्लॉक बाई ब्लॉक मेट्रो में बोर्ड करने के लिए छोड़ा जा रहा था। मुज़दलिफ़ा में हमने एक अच्छी सी जगह देखकर अपने चटाइयाँ बिछाई, मगरिब और इशा अदा की और वहाँ ब्रोस्ट चिकन ख़रीद के डिनर किया। फिर कंकरियाँ चुनने में लग गए, उसके बाद सो गए। फिर फजर पढ़ के तुलुए आफ्ताब का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही सूरज निकला हम भी वहाँ से मेट्रो स्टेशन की तरफ चल पड़े। हमारे तरह ही और हुज्जाज भी निकल पड़े थे
और रश काफ़ी ज़्यादा था। सऊदी पुलिस लोगों की इस क्राउड को बड़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रही थी और हमें भी तकरीबन एक घंटा मेट्रो स्टेशन से पहले लाइन में ही इंतज़ार करना पड़ा। लोगों के सब्र की यहाँ भी बड़ी आजमाइश होती है। मेट्रो स्टेशन पहुँचने के बाद लाइन में लग गए और मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मेट्रो में चढ़ते वक्त बहुत एहतियात करनी होगी। यहाँ पर बड़ी धक्कामुक्की होती है और लोग ऐसे चढ़ने की कोशिश करते हैं जैसे मुंबई की कोई लोकल ट्रेन में चढ़ रहे हैं। अगर आप सही से लाइन में आ रहे हो तो भी लोग साइड से घुसने की कोशिश करके धक्कामुक्की करते हैं। अगर तरतीब से आए सबके लिए आसानी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इधर हर 5 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन आती है। 5 मिनट इंतज़ार कर लेते तो आसानी से दूसरी वाली मेट्रो ट्रेन चढ़ सकते थे, लेकिन पता नहीं लोगों में इतनी बेसब्री क्यों होती है और यहाँ लोगों को धक्का दे के अजियत पहुँचा के 5 मिनट बचा के कौन सी दौलत इन लोगों ने हासिल कर ली। इसलिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और उनमें से किसी को अल्लाह ने यहाँ पे आके हज करने का मौका दिया तो उनसे गुजारिश है कि सब्र और तहम्मुल से काम लें। वहाँ से हम मेट्रो लेके डायरेक्ट जमरात स्टेशन 10 मिनट में पहुँच गए। स्टेशन से निकल के चलते हुए तकरीबन 30 मिनट में जमरात के पास पहुँचे और बड़े शैतान की रमी की और वापस मेट्रो लेके मीना 2 स्टेशन पहुँच गए। वापसी में मेट्रो काफ़ी खाली थी, फिर उधर से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर चल के अपने खेमों को पहुँचे। मेट्रो स्टेशन से हमारा खेमा काफ़ी करीबी था, लेकिन फुट ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए काफ़ी रास्तों को सऊदी पुलिस ने वन वे बना दिया है, जिसकी वजह से अगर आप रोड के उस पार भी रह रहे हैं तो भी आपको 1-1.5 किलोमीटर यूटर्न लेने के लिए चलना पड़ता है। फिर असर तक खेमे में आराम किए और कुर्बानी के इंतज़ार में लग गए। असर के करीब अदाही की वेबसाइट में हमारी कुर्बानी का स्टेटस अपडेट हुआ और हम असर के बाद चलते हुए अजीज़िया निकल पड़े। हमारे मीना के खेमे से अजीज़िया की बिल्डिंग तकरीबन 3 किलोमीटर है। टैक्सी मिली नहीं तो ये दूरी हमने पैदल ही तय की। अजीज़िया पहुँचने के बाद हलक किए, नहाए, थोड़ा आराम किए, फिर हरम की तरफ निकले तवाफ़े ज़ियारा करने के लिए। टैक्सी वाले ने एक आदमी के 50 रियाल लिए अजीज़िया से हरम पहुँचाने के। वहाँ पहुँचने के बाद बड़ी आसानी के साथ हमारा तवाफ़े ज़ियारा और सही हो गई। फिर हम हरम से फजर अदा करके बस से वापस मीना आए। बस वाले ने एक आदमी के 50 रियाल लिए। फिर हम अपने खेमों में आकर जहर तक सो गए। फिर असर के बाद हमने 11 जुल्हिज्जा की रमी करने को पैदल निकले। जमरात हमारे कैंप से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे है। रमी करने के बाद हम पैदल ही वापस खेमों को आ गए। हमने पहले दिन की रमी 4th फ्लोर से की थी और दूसरे और तीसरे दिन की रमी ग्राउंड फ्लोर से की थी। जमरात की जगह सऊदी पुलिस जगह जगह मौजूद होती है, कई जगह पे तो एक लाइन की तरह बना के भी रहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर वापस कंकरी मार के कोई उल्टे रास्ते से वापस जाना चाहता है तो उनको रोक के सही तरीके से वन वे पैटर्न जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया है उधर से भेजने के लिए। फिर 12 जुल्हिज्जा को 9:30 बजे से 2 बजे तक कैंप का एग्जिट बंद था जुमे की वजह से, और 2 बजे जब गेट खुला तो हम रमी करने के लिए वहाँ से पैदल निकले। 12 जुल्हिज्जा की भी रमी बड़ी आसानी से हो गई। वहाँ से वापस मीना हम नहीं आए, उधर से चलते हुए बाहर की तरफ निकल पड़े। तकरीबन 2-3 किलोमीटर चलने के बाद एक टैक्सी मिली जिसने एक आदमी का 200 रियाल लिए अजीज़िया छोड़ने के। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज के सारे अरकान आसानी से अदा कर लिए, क्योंकि यहाँ अभी समर का सीज़न चल रहा है। गर्मी 45 डिग्रीज तक जा रही थी। पानी पीना और हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी आंखों के सामने ही कहीं हाजियों को बेहोश होकर गिरते हुए देखा गर्मी और थकान की वजह से। और यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, बहुत से लोगों को चलने की आदत नहीं होती और कई लोग अपने उम्र या कोई और उज़र की वजह से भी चल नहीं पाते, उनको बड़ी अजियत महसूस होती है। इसलिए यहाँ आने से पहले अपने आप को मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर करके आना चाहिए और सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। 13 जुल्हिज्जा को भी रमी होती है, लेकिन ये सुन्नत है। अगर किसी ने नियत कर ली है तो वो मीना में ही क़याम करके 13 तारीख को भी रमी करके फिर मीना से रवाना हो सकते हैं। इस वीडियो का मकसद लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकअल्लाह।